सुबह 6 बजे से शाम को इस बर्फ के अंदर 5 बजे तक कंटिन्यू 11 घंटे ड्यूटी, वो भी स्टैंडिंग खड़े होकर से होते हैं। कितना भी बर्फ हो, कितना भी बारिश हो, तूफान हो, यही हालातों में हम ड्यूटी कर रहे हैं। पीछे का दृश्य शायद आप लोग देख रहे हों, फोटो में शायद आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन हमारी क्या सिचुएशन है, ना ये कोई मीडिया दिखाता है, ना कोई मिनिस्टर सुनता है, कोई भी सरकारें, हमारी हालात वही दरबत्तर है। मैं आपको इसके बाद 3 वीडियो भेजूंगा जिसके मैं चाहता हूं कि आप पूरे देश की मीडिया को, नेताओं को दिखाएं कि हमारे अधिकारी हमारे साथ कितना अत्याचार व अन्याय करते हैं। हम किसी सरकार को कोई दोष नहीं देना चाहते, क्योंकि सरकार हर चीज हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं, जो कि हमारे को कुछ नहीं मिलता। इन हालातों में ऐसी किन हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा, जो कि एक पराठा मिलता है जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा, कंटिन्यू दाल जो है जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। रोटियों की हालात भी दिखाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं, भारत सरकार सब कुछ देती है, भारत सरकार के सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। कहां जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि कृपा करके इसकी जांच करवाएं। दोस्तों, ये वीडियो डालने के बाद शायद मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि अधिकारियों के बहुत बड़े हाथ हैं, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है, आप सोच सकते हो। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, पूरा शेयर करें, ताकि हर मीडिया के यहाँ जांच करे, देखे कि किन हालातों में जवान है। मैं बाकी वीडियो आपके पास पेश करूंगा, जिसकी पूरी डिटेल आपको दिखाऊंगा। जय हिंद। मैं अभी सुबह का आपको नाश्ता दिखाता हूँ। ये जले हुए पराठे सिर्फ और चाय का गिलास और कुछ नहीं, ना अचार, ना जाम, ना बटर, कुछ नहीं। ये है 29/29 BNBSF का जवानों का नाश्ता। अब आप बताइए, क्या ऐसा खाना खा के जवान ड्यूटी कर सकते हैं? इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सरकार तक पहुँचाए। जय हिंद। क्या बना? हल्दी नमक बस दो ही आइटम है भाई, और कुछ नहीं। सिर्फ हल्दी हल्दी दाल में और कुछ नहीं, ना प्याज ना लहसुन लाया, कम से कम जीरे का ही तड़का मार दिया कर गुरु। ये दाल में जीरा भी नहीं है, प्याज भी नहीं, लहसुन भी नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे ही यही हाल है। क्या करेगा तो? यार ऐसे तो मर जाएंगे, खाना खा खा के टीबी हो जाएगी, टीबी हो जाएगी ऐसे तो। हाँ डाल दे, और क्या, मेरा भी डाल ले, चल ठीक है। ठीक है भाई सुभाष, क्या करे, ऐसा है, क्या करे, लाइट भी नहीं जलाया, जनरेटर चला दे कम से कम, लाइट तो आ जाए बड़ी मोटी। सब ठीक है। नमस्कार, अभी मैं आपको दिखाता हूँ BSF की, ये देखो दाल, सिर्फ हल्दी नमक और कुछ नहीं इसके सिवाय। 10 घंटा ड्यूटी जवान करने के बाद ये दाल, ना इसमें प्याज है, ना लहसुन अदरक, कंटिन्यू 10 दिन से यही दाल और ये रोटियां देखी आप। ये अब आप ही बताइए, यह खाना खा के क्या एक BSF का जवान 10 घंटे ड्यूटी कर सकता है? सभी अधिकारी सब सामान बाजार में बिक्री कर देते हैं, ये खाना खाने के लिए मिलता है। इसलिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भारत सरकार तक पहुंचाने की कृपा करें। मैं अपना खुद का वीडियो भी आपको दिखाता हूँ, जो मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, अच्छी तरह से आप देख सकते हैं दाल। मैं तेज बहादुर 29 BNBSF से ये बयान दे रहा हूँ कि आज के जमाने में जवानों की क्या हालात है, कैसा खाना मिल रहा है, आप देख रहे हैं।